वेलकम अगेन। सो आज हमारा डे टू है और हमने लास्ट जो हमारा डे वन का सेशन था वहाँ पर हमने बात करी थी व्हाट इज लिवर एंड लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, और हमने ये भी बात करी थी कि ब्रेकफास्ट में हमें किस तरह से ऑप्शन को सेटअप करना चाहिए, जहाँ पर मैंने बात की थी कि अगर आपका लिवर थोड़ा कमज़ोर है या स्टार्टअप करने के लिए या न्यू वेट लॉस की डाइट या हाई प्रोटीन की डाइट करने के लिए, अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि अभी वेट मेरा रिजल्ट नहीं आते हैं किसी भी डाइट पर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो शुरू की जाए डाइट वो कुछ इस तरह से हो कि ब्रेकफास्ट में जो भी ऑप्शन है वो काफ़ी हद तक प्री डाइजेस्टेड या फिर कह सकते हैं नॉट प्री डाइजेस्टेड बट एक्चुअली एंजाइम रिच होनी चाहिए, ताकि आपका स्टमक से रिलीज होने वाले एंजाइम्स जो हैं उसके लिए सफिशियंट हो, और अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या फैटी लिवर है आपका तो शुरुआत करने में बहुत आसान रहेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आज ब्रेकफास्ट के, और विथ हीलिंग सूप। हीलिंग सूप का हमने लास्ट टाइम बताया था, एक कुछ रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करेंगी, तो आज हम हीलिंग सूप्स के साथ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी आपको बताएंगे कि अगर आपको उतना भूख नहीं लगती है और आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप ये दो ऑप्शन ले सकते हो, और अगर मॉडरेट लाइफस्टाइल है तो आप ये सारे ऑप्शंस आप ले सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें प्लेन डोसा फर्मेंटेड है, कोकोनट चटनी, कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स होना ज़रूरी है, सम काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। डोसा, कोकोनट चटनी एंड दिस इज हीलिंग दिस हीलिंग सूप इज़ वेरी नेसेसरी, जो हमने लास्ट डे वन में बात की थी। अगर हीलिंग सूप के बारे में आपको नहीं अंदाजा है कि वो क्या है तो प्लीज़ हमारी डे वन की वीडियो ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन प्लेन डोसा विद कोकोनट चटनी, और हमारा हीलिंग सूप भी है जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको हीलिंग सूप का क्राइटेरिया नहीं पता है तो आप डे वन की वीडियो को फिर से देखें तो आपको समझ आएगा कि हीलिंग सूप हमने यहाँ पर क्यों रखा है। देन हमारे पास है बीटरूट चीला। बीटरूट चीला के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है चीला के, मूंग दाल चीला है, स्पिनच चीला है, अलग अलग जो है आप ले सकते हैं इसके साथ, बहुत सारी वेराइटीज़ है चीला की, ऑनलाइन पे बहुत अवेलेबल है। एंड सम सोफ्ट आलमंड्स, मैंने यहाँ पर पोर्शन साइज नहीं लिखा है बिकॉज पोर्शन साइज इज़ वेरी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है। सो वो आप अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हो, बिकॉज इफ़ यू आर अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट, और अगर आप एज अ नेचुरोपैथ हो या कोई मतलब जो डाइटेटिक्स फील्ड से नहीं है, ठीक है, तो आप उनको वन कटोरी साइज एज एन इनिशियल पोर्शन दे सकते हो, ठीक है। वन कटोरी इज अराउंड आप 125 ml अराउंड दे सकते हो, ठीक है, 125 ग्राम या ml, ठीक है। दिस इज अनदर हीलिंग सूप, ठीक है। हीलिंग सूप्स में इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा वाला देना चाहते हो, क्योंकि मैंने डे वन में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको बताए थे, ठीक है। देन देयर इज स्प्राउट सैलड पीनट डिप विद हीलिंग सूप, वेज पोहा आलमंड्स एंड हीलिंग सूप, उत्पम विद अंजीर, सोफ्ड अंजीर होनी चाहिए, सारे सोफ्ड होने चाहिए, सोफ्ड आलमंड्स, सोफ्ड अंजीर प्लस हीलिंग सूप, ओट्स एप्पल ग्रुएल, आप दूसरे ओट्स के साथ ऑप्शन ले सकते हो, विद सोफ्ट मुनक्का एंड हीलिंग सूप, वेज राइस पोटली, आपको राइस की रोटी बनानी है एंड देन उसमें आप अपना कोई भी यू नो मनपसंद वेजीज का मिक्स आप उसमें डालें और उसको स्टीम कर दें, पोटली बना के स्टीम कर दें, तो वही बहुत अच्छा नॉन ग्लूटेन साबित होगा, ठीक है। कुछ जगहों पर आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि आपका पोहा, ये सारी चीज़ें नॉन ग्लूटेन वाली सारी चीज़ें हैं, देखिए इसमें सब में ही लगभग ग्लूटेन नहीं है, सब में ही राइस ही है ज़्यादातर, ठीक है। ओट्स में भी आप वो वैरायटी, आप स्टील कट ओट्स ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपका हीलिंग सूप हो गया। एंड बोन ब्रॉथ है, जो नॉनवेज है वो अगर ये पूरे हफ्ते का अगर हम बात करें तो हफ्ते में एक या दो दिन आप बोन ब्रॉथ ले सकते हो। जिनका लीकी गट का इशू है, ठीक है, वो बोन ब्रॉथ हफ्ते में दो बार या तीन बार ले सकते हैं, ठीक है। बट इट्स बेटर कि थोड़ा विंटर या फिर थोड़ा भी मौसम ठीक हो जाए तब, बिकॉज अभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है, बिकॉज इट हैज़ अ हीटिंग टेंडेंसी, बॉडी को हीट प्रोवाइड देता है बेसिकली, ठीक है। तो बोन ब्रॉथ अगर आप नॉन वेज हैं और नॉर्मल आपको कोई इशू नहीं है, सिर्फ बालों के लिए, स्किन के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए आपको सब चीज़ें या फिर अपनी इम्यूनिटी के लिए करना है, तो हफ्ते में एक बार बोन ब्रॉथ इज मोर देन अनफ। और अगर आपको लीकी गट का इशू है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है
तो आप हफ्ते में 2 बार बोन ब्रॉथ जरूर लें। एंड अफसोस की बात है कि बोन ब्रॉथ का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो अगर बोन ब्रॉथ आप नहीं ले सकते तो बोन ब्रॉथ का पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। और वो नहीं ले सकते, अगर आप चिकन लेते हैं तो चिकन का सूप ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं ले सकते तो आप 2 एग वाइट ले सकते हैं। 2 एग वाइट अगर नहीं हो पाता है तो आप इसको टोफू या पनीर इसमें से किसी एक पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इफ़ यू हैव अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और आपका जो है 8 to 10 आवर्स आपका एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप ये जो हीलिंग सूप है, हीलिंग सूप में ही थोड़ा जो है एनहांसमेंट करके आप जो है उसको फिलिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम रोज हिप्स भी लिए थे, ठीक है, रोज हिप का मेनली सूप था, तो हम यहाँ पर गोजी बेरी भी ले रहे हैं, मुनक्का भी ले रहे हैं, तो एक वो फ्रूट सूप का हो गया। और थोड़ा बेस जो है आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून अमरंथ की रख सकते हैं या कीनुआ की रख सकते हैं विद चिया सीड्स, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर ऑप्शन, बनाना ऑरेंज फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 3 फ्रूट ये होगा, इसमें आप रोज हिप भी ऐड कर सकते हो विद सम पीनट्स, ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस की बात करी है और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा उन डिसऑर्डर्स के बारे में जो थोड़ा सा मुश्किल होता है हैंडल करना, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं, आपके सामने सोरियासिस के केसेस आते हैं या हाशिमोटो थायराइडाइटिस के केस है, जब थायराइड के खुद की इम्यूनिटी थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, या लीकी गट के इश्यूज है, व्हेन देयर इज परफोरेशन इन योर इंटेस्टिनल वॉल, तो ऐसे केसेस में जो है हमें खास तौर से मैग्नीशियम का बहुत ध्यान रखना होता है। मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बट द प्रॉब्लम इज कि मैग्नीशियम इज नॉट डायरेक्टली अब्सॉर्बेबल फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, सो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम योर इनर रिस्ट, इनर थाइस पर आपको लगाना होता है, यू हैव टू अप्लाई द मैग्नीशियम ऑयल विच इज अवेलेबल ऑन द मार्केट, ठीक है, बहुत सारे मैग्नीशियम ऑयल्स आते हैं। एंड मैग्नीशियम सिट्रेट इज ऑल्सो यू कैन टेक, ठीक है, या फिर ओलिएट भी ले सकते हो, ओलिएट थोड़ा कॉस्टली वर्जन होता है मैग्नीशियम का, बट यू कैन टेक, दैट इज वेरी मच ईजी टू अब्जॉर्ब। मैग्नीशियम ओलिएट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू अब्जॉर्ब, बट इट्स ऑफ वेरी हाई कॉस्ट, लाइक 4000 अराउंड का सप्लीमेंट आता है, सो इट्स बेटर टू अब्जॉर्ब इट फ्रॉम योर स्किन, ठीक है। तो इनर रिस्ट, इनर थाइस एंड फ्रॉम योर सोल, ओके। हम बात करेंगे कुछ और डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि डिसऑर्डर्स नहीं लगती हैं, क्योंकि हमारे कई सारे पेशेंट्स होते हैं वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमें बोलते हैं कि एनर्जी इश्यूज हैं या एड्रिनल फटीग है या एक्सेस कोलेस्ट्रॉल वाले इश्यूज हैं, ठीक है, जो डिसलिपिडेमिया वाले इश्यूज रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने ये सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं। अगर हम इन दो की पहले बात करें, एनर्जी इश्यूज या एड्रिनल फटीग, क्योंकि वो हाई कॉर्टिजोल की वजह से होता है, आपके टिश्यूज पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा होता है, तो इसमें भी हमें मैग्नीशियम लेने की बहुत जरूरत होती है। वाई मैग्नीशियम, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जब भी आपकी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है तो आपकी बॉडी में से पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इन सब की जो है यूरिन में सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो आपकी बॉडी में काफी हद तक इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये सब कम हो जाते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम आपके फ्रूट्स में काफी ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो आपका दोबारा से रिपेयर हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम रिपेयर नहीं होता है क्योंकि इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। आपको सीड्स में मिल जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दूध में भी थोड़ा बहुत अमाउंट में होता है, लेकिन आपको क्योंकि आपकी लाइफ अभी के जो 21st सेंचुरी में जो हम जिस तरह के हमारे रूटीन है उस हिसाब से हमारे हर तरफ से स्ट्रेस है, ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी भी एक स्ट्रेस है, ठीक है, आप बहुत देर तक अगर लैपटॉप्स पे बैठे हुए वो भी एक स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज एवरीवेयर, तो आपका बी कॉम्प्लेक्स और मैग्नीशियम हमेशा हैम्पर्ड रहता है, तो आपको ये दोनों चीजें आपकी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं लगानी पड़ेगी। जो चीजें फर्मेंटेड होती है उनमें बी कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बहुत हाई होता है, प्लस मैग्नीशियम की आपको कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। मैंने बताया आपको ऑयल की फॉर्म में आप लगा सकते हो बॉडी पे। दूसरा, बायो अवेलेबल प्रोटीन, प्रोटीन आपने ऐसे फॉर्म में लेना है जो आपको सबसे ज्यादा अब्सॉर्बेबल हो। बोन ब्रॉथ्स मैंने बता दिया आपको, कई सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं क्या क्या आप ले सकते हैं, अदरवाइज प्रोटीन पाउडर्स भी आप ले सकते हैं, जिसकी स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोपिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको एनर्जी इशूज या एड्रिनल फटीग के कोई भी इशूज है, स्पेशली विद गर्ल्स, क्योंकि उनको पीरियड्स की पीरियड्स रहता है, ठीक है, तो उस केस में स्पिरुलिना इज वन ऑफ द बेस्ट। नासा में भी जब
जितने एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको उनकी पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल को पूरा करने के लिए स्पिरुलिना को सजेस्ट किया जाता है। सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल होती है इसमें, तो आप 4 to 5 स्पिरुलिना की स्मॉल टैबलेट्स ले सकते हैं दिन की स्टार्टिंग में, आप उससे करें। ठीक है, ये आपका जो अमीनो एसिड है वो पूरा करेगा, क्लोरोफिल आपका जो है हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, प्लस आपका ब्लड भी क्लीन करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी इश्यूज वगैरह अगर आपके साथ हैं तो। नेक्स्ट इज जिनसिंग, देयर इज रेड जिनसिंग, देयर इज मेनी अदर जिनसिंग, तो रेड जिनसिंग भी आप ले सकते हैं फॉर वुमेन, फॉर मेल्स। वैसे दो अलग अलग जिनसिंग आते हैं, अगर जिनसिंग नहीं मिलती है तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, उसकी टी डेली पीनी है, क्योंकि जिनसिंग बाकी सारे ग्लैंडुलर फंक्शंस को पोटेंशियल देता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड जिनसिंग इन योर डाइट। जिनसिंग नहीं मिलती है, रेड जिनसिंग के कैप्सूल लीजिए, 2 रेड जिनसिंग के कैप्सूल लीजिए, आपको उसको ब्रेक करना है, उसके इंग्रेडिएंट को पानी में डाल के उबालना है। यू कैन ऐड हनी टू इट, क्योंकि मैं हनी को बिल्कुल मना नहीं करती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर और ब्रेन डायरेक्ट ग्लूकोज पे वर्क करते हैं, लो कार्ब डाइट इज बहुत बुरी डाइट्स हैं, नहीं जाना चाहिए बिल्कुल लोएस्ट कार्ब डाइट पे जो होते हैं। आपको नेचुरल शुगर्स तो लेनी ही पड़ेंगी ताकि आपका लिवर फिर से रिपेयर हो सके। लिवर रिपेयर होगा, फैट बर्निंग हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे, ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होता चला जाएगा, स्टक वेट नहीं होगा और ना ही वापस आएगा। तो ये थी हमारा डे 2 की आज की सारी हमारी मेहनत, और मैं जल्द ही आपके साथ डे 3 के में आपको कई सारी नॉलेज के साथ मैं वापस आती हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।